गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो अभी बज रहा है सुबह का 8 और हम लोग ऐसे उठ के काफ़ी सारा काम कर लिए आज, क्योंकि आज जल्दी जल्दी उठ गए। एक्चुअली कल रात में हम लोगों का थोड़ा झगड़ा हो गया था, तो ऐसे मतलब जल्दी सो गए थे। ऐसे रात में झगड़ा होता है तो क्या होता है, बातें बातें नहीं तो सो जाओ बस ऐसे। तो अभी सुबह हो चुका है और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट के लिए अंडा बॉयल कर रही हूँ। और आज नीरज का ऑफिस में पार्टी है, इसलिए उसका लंच नहीं बनेगा, सिर्फ मेरा। तो कल रात में हम लोग चाउमीन बनाए थे, तो बॉयल्ड चाउमीन मैं फ्रिज में कुछ थोड़ा सा रख दी थी मेरे लिए, तो ये आज मैं अपने लिए, अपने लंच के लिए बना लूँगी। और यहाँ पे थोड़ा खीरा काट के रखी हूँ, ये भी ब्रेकफास्ट के लिए है। आज से हम लोग सोचे कि हम लोग थोड़ा हेल्दी हेल्दी खाना खाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जंक हम लोग बहुत दिन से खा रहे हैं तो आज नहीं खाएंगे। तो हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है और यहाँ पे बना है रात का जो नूडल्स बचा हुआ था वो, और एक अंडा बॉईल किया हुआ है, और यहाँ पे कुछ खीरा जो काले नमक के साथ खाएंगे। तो और यही नीरज है। ऑलरेडी खाना शुरू कर दिया है मुझे छोड़ के, तो तुम नहीं खा रही तो हम क्या तो करें। मैं रेडी हो रही हूँ ना। हाँ तो खाना खाओ, चलो। हाँ ठीक है। तो हम लोग ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुके हैं और सुपर्णा उधर तुलसी में पानी दे रही है। ये देखिए, सुपर्णा इधर तुलसी में पानी दे रही है। सुपर्णा कहाँ दे रही है ये देखिए। और सुपर्णा भी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है और हम लोग अब जाएंगे ऑफिस। तो आज हम लोग का ऑफिस है। हम लोगों का ऑफिस हो चुका है ख़त्म। अभी 5:15 बज रहे हैं और थोड़ा थोड़ा शाम हो गया। रास्ता का स्ट्रीट लैम्प भी जल चुका है। और अभी हम लोग ना ऐसे सोचे कि दुर्गा पूजा तो आने ही वाला है और कोलकाता में काफ़ी मतलब पंडाल का जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी हद तक हो चुका है, तो हम सोचे कि दो एक पंडाल का प्रोग्रेस देखते हुए जाएँ। इसलिए हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे एक पंडाल में। तो पहले प्रोग्रेस देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं, आप लोग भी देखते रहिए। तो ये एक पूजा पंडाल है, ये नया बन रहा है अभी। अभी तक बाहर से तो इतना सा ही दिख रहा है, बाकी तो दिख नहीं रहा है कुछ। बाकी इधर तो का थीम देखो, ये थीम का बॉक्स है। हाँ ये है वो जो ऑयल का जो जार है उसका बॉक्स है, जो टीन वाला होता है वो है ये, और बाकी कुछ पता नहीं चल रहा है। और इसका डिटेल तो हम बाद में बता देंगे आप लोगों को। बाकी तो देखने में अच्छा ही लग रहा है, अंदर क्या बनेगा। मूर्ति भी शायद अंदर बन रहा है। हाँ यहाँ पे मूर्ति भी अंदर बन रहा है। बाकी ये है गड़ियाहाट में, कहाँ पे है थोड़ा बोल दो। ये 64 पल्ली, हाँ मतलब ये 64 64 पल्ली। हाँ ये 64 पल्ली है और ये है राजबिहारी एवेन्यू के पास ही है, तो काफ़ी अच्छा ही लग रहा है देखने में। बाकी तो पूरा हो जाने के बाद ही पता चलेगा। तो और ये देखिए बांस भी बांधा जा रहा है, यहाँ पे लाइट लगाया जाएगा। अभी से गेट बन रहा है और ज़्यादा दिन तो बाकी नहीं है। और कितना दिन बाकी है? हाँ और ज़्यादा दिन नहीं है, ओपन भी बहुत जल्दी शायद हो जाएगा इस बार कोविड के वजह से। तो चलिए अब बाकी चलते हैं हम लोग, और कहीं नहीं जाएंगे शायद। अब शायद थोड़ा देखते हैं कहीं कहाँ जा रहे हैं। घूमते घूमते हम लोग आ गए हैं लेक मॉल में। एक्चुअली इधर से जाऊं और लेक मॉल ना आऊं, ये कभी हो सकता है क्या? ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ खरीदे या ना खरीदे, आना तो मुझे है ही। तो चलिए पहले एक बार लेक मॉल का दर्शन कर लेते हैं। अगर कुछ नीरज खरीद के देगा तो जरूर लेंगे, अगर नहीं देगा तो ऐसे ही वापस चले जाएंगे। लेकिन आ गए तो चलिए चलते हैं लेक मॉल के अंदर। तो लेक मॉल जाने से पहले नीरज को बहुत भूख और प्यास दोनों लग गया, तो प्यास के लिए अभी वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। और भूख के लिए क्या खाओगे? भूख के लिए घर जाके खाओगे? भूख के लिए उसे कुछ दिए नहीं, हम बोले कि नहीं खाना है, बस गुस्सा हो गया मेरे पे, बोल रहे तुम कुछ खाने नहीं देते हो रास्ते पे। तो चलिए देखते हो क्या खाता है, उसको कुछ खिलाते हैं पहले, क्या बोलते हो? तो नीरज का गुस्सा ठंडा करने के लिए हम ये लाए, एक है कुकीज़ और एक है केक। खा के बोलो कैसा लगा। पहले कुकीज़ खाओ, तुम पहले खाओ ना, नाम नहीं खाया। खाओ ना, खाओ, अच्छा अच्छा लगेगा, खाओ।
और ऐसे ये मुझे लगा अच्छा है क्योंकि मैं खाती हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है। अब वो खा के बोलेगा कैसा लग रहा है, ऐसे तो गुस्सा है कि मैं बोल दी नहीं खाना है। खाना तो था उसे समोसा, ठीक ठाक बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा नहीं, अच्छा है तुम्हें अच्छा लग रहा है, हमें ठीक ठाक लग रहा है। ओके, बाकी हम लोग लेक मॉल के बाहर निकल गए हैं और यहाँ पे वेट कर रहे हैं नीरज, थोड़ा घोटी गरम लाने के लिए गया है, बोला भूख लगा है खा के ही जाएंगे। और मेरा काजल का हालत बहुत ख़राब हो चुका है तो वो आए, उसके बाद देखते हैं। और हमारे साथ और एक दीदी आई थी शॉपिंग करने, लेकिन उनका अभी तक हुआ नहीं तो हम लोग निकल गए क्योंकि घर जाके खाना भी बनाना है तो काम भी है। मिला हाँ तो घोटी गरम मिल गया है, ये देखिए नीरज को। चलिए पहले हम लोग खा लेते हैं घोटी गरम, इसको बोलते घोटी गरम। तो हम लोग दुर्गा पूजा का पंडाल देख के, और सुपर्णा अपने गई थी एक फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने, एक्चुअली सुपर्णा शॉपिंग नहीं की है लेकिन उसके दोस्त को शॉपिंग करवाने गई थी, इसलिए काफ़ी लेट हो गया। और इसी कारण आज डिनर में बना है चावल, आलू का चोखा, और यहाँ पे है बैगन का चोखा, और ये है काकरोल का भुजिया। तो आज यही खाने को मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ है और खान मतलब ऐसे पेट में चूहे कूद रहे हैं। चूहे? हाँ चूहे। चूहे क्या होता है? चूहे मतलब इंदूर। इंदूर, अच्छा चूहा को इंदूर बोलते हैं। हाँ तो ये खाना तुम्हें पसंद है? हाँ काफी पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे भी रात में गरम गरम चावल के साथ आलू का चोखा या बैगन का भरता बड़ा अच्छा लगता है ना, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा। और कल फिर से ऑफिस है ना हम लोगों का? नहीं, तुम्हारा नहीं है लेकिन मेरा है, मुझे और आज है। आज पार्टी तुम्हारा कैसा हुआ? पार्टी अच्छा ही था, अच्छा। बिरयानी खाने को मिला पार्टी में, मेरे को छोड़ कर अकेले अकेले। तुमको हम बुलाए थे क्या? तुमको बुलाए थे, तुम्हें शायद याद नहीं। तो ठीक है हम लोग खाना खा लेते हैं पहले। तो अभी हम लोग है डेड टायर्ड क्योंकि शॉपिंग किए, पंडाल घूमे, मतलब पंडाल बना हुआ नहीं था लेकिन फिर भी घूमे तो बाइक से थोड़ा, और आने के बाद खाना भी बनाए, खाना खाए, तो अभी और बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि नीरज का कल भी ऑफिस है और कल भी सुबह जल्दी उठना है, ऑलरेडी वो तो सो ही चुका है, बोला कि एंडिंग वीडियो नहीं हुआ तो तुम थोड़ा बना दो, इसलिए हम सोचे कि ठीक है आप लोगों को बोल ही देते हैं। तो आज के लिए ये वाला वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नया वाला फ्रेश वाला वीडियो के साथ, नया फ्रेश मूड के साथ। और तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गुड नाइट एंड बाय बाय।